वेलकम टू टोनाकुल ऑप्शंस कैंप। आज हमारे ये थर्ड वीडियो है और इस थर्ड वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शन का यूज क्या करते हैं। ऑप्शन के डिफरेंट यूजेस होते हैं, सो कंप्लीट वीडियो को देखिए, साथ में रहिए। एंटायर सीरीज में मैं ऑप्शन के बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाला हूँ। बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी कवर होगा। तो अगर ये बेस हमको पता होता है तब जाकर आप कंप्लीट सीख पाएंगे ऑप्शन को। सो कंप्लीट वीडियो को देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात बहुत सिंपल है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो इनकम जनरेशन के लिए करेंगे, एंड देयर आर मेनी वेज कि हम लोग इनकम जनरेट कैसे करेंगे। प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेड कौन कौन से रीजन के लिए करते हैं? नंबर वन जो है लिवरेज। लिवरेज मीन यू आर पेइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड कंट्रोलिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एन अंडरलाइंग। मतलब मान लीजिए कोई एबीसी लिमिटेड है आपके लिए और वो एबीसी लिमिटेड करेंटली ट्रेडिंग एट 500। लेट मी अस्यूम वो एबीसी लिमिटेड का लॉट साइज है 1600। ये लॉट साइज है और ये मेरा करेंट मार्केट प्राइस है। अभी आपको लगा ये एबीसी लिमिटेड अभी ऊपर जाएगा 550, 600 कहीं पे जा सकता है, तो चलो कॉल बाई करते हैं। ये सोचकर आपने क्या किया, आपने 500 का सीई कॉल ऑप्शन परचेस किया एंड यू हैव पेड ए प्रीमियम। आगे क्लास पे हम लोग सीखेंगे प्रीमियम क्या होता है। आप लोग प्रीमियम पे किया, लेट मी अज्यूम कि 10,000 की प्रीमियम आपने पे किया, सॉरी 10 रुपये की प्रीमियम पे किया। सो टोटल कितनी प्रीमियम पे किया, 1600 के लॉट है तो आपने टोटल 16,000 रुपये का प्रीमियम पेमेंट किया। अभी आप कंट्रोल कितनी कर रहे हो, 800,000 का सौदा आप कंट्रोल कर रहे हो। ये आपके टोटल वैल्यूएशन है 1600 × 500 का। क्यों 800,000 का क्यों कंट्रोल कर रहे हो? अभी मान लीजिए सिचुएशन ऐसा हो गया कि ये स्टॉक ऊपर जाने लगा और एक्सपायरी में देखा कि वो 600 पे क्लोज हो गया। आपकी जो ऑप्शन है इसकी वैल्यूएशन आ जाएगा 100 रुपये पे, तो आराम से 90 रुपये प्रॉफिट कर सकते हो। आराम से 90 रुपये की प्रॉफिट मिलेगा इनटू 1600, काफी प्रॉफिट होगा। बट आपको लगा ये जो इक्विटी है ना, ये अब मुझे नहीं मिलेगा इस रेट पे। अब इक्विटी आगे काफी जा सकता है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो एक काम कर लेता हूं मैं इसे डिलीवरी ले लेता हूं। ये सोचकर आपने बाकी का पेमेंट कर दिया। आप 1600 क्वांटिटी 500 के रेट पे 800,000 पेमेंट कर दीजिए एक्सचेंज को, आपको मिल जाएगा। मतलब आप कभी भी आपके ऑप्शन को एक्सपायरी के दिन में ना आपके ऑप्शन को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू आर कंट्रोलिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट। और अगर वो इन दी मनी क्लोज हो गया, अब अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपने सेल किया था और ऊपर भाग गया, लॉस बुक करना पड़ेगा आपको। और लॉस बुक अगर नहीं करेंगे देन आपको आपके डीमैट अकाउंट से 1600 क्वांटिटी डिलीवरी देना पड़ेगा एक्सचेंज को, एंड एक्सचेंज आपको से 500 के रेट पे 800,000 रुपये वापस करने वाले। सो आप एक लार्ज अमाउंट क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ऑप्शन हम लोग बाइंग करेंगे लिवरेज के वजह से। अब इस लिवरेज को प्रोफेशनल डिफरेंट मीनिंग में लगाता है, ठीक है, कैसे एक्चुअली वो क्या कैसे लिवरेज लेता है। मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होता है, लेट मी अज्यूम कि निफ्टी कोई मंथली डिमांड पे आया या निफ्टी कोई वीकली डिमांड पे आ गया। आगे जाकर अब मेरी बहुत सारी डिमांड सप्लाई के वीडियो है, आप देख लीजिए। मान लीजिए निफ्टी किसी वीकली की डिमांड पे आया और वो वीकली डिमांड पे आने के बाद निफ्टी ने क्या किया, RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट किया। RSI का वीडियो भी है, मैं दे देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट किया। अभी निफ्टी के लॉट साइज हो गया 25। चलो मैं 25 लॉट लेकर ही शुरू कर देता हूँ। 25 के लॉट पे आपको लगभग 63,000 डिफरेंट ब्रोकर डिफरेंट मोटा मोटी मार्जिन लेते हैं। सो लगभग 63,000-64,000 का मार्जिन लगेगा इफ यू वांट टू बाई 1 lot ऑफ निफ्टी। आप लोग अभी चार्ट पे चले जाओ, ये आपके ड्यूटी है। चार्ट देखो, जब भी निफ्टी किसी मंथली या वीकली डिमांड पे निफ्टी जब भी डेली में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाता है ना, नेक्स्ट 3 month निफ्टी में अभी तक नेवर 10% से कम रिटर्न कभी नहीं दिया, 10% से कम कभी रिटर्न नहीं दिया।
तो अभी अगर मान लेता हूं कि ऐसे कोई सिचुएशन हो गया, आपको निफ्टी बाई करना है, वन लॉट बाई करेंगे, 63,000 की मार्जिन देना पड़ेगा, 3 महीने का ओल्डी ले लेता हूं, 200 पॉइंट की प्रीमियम लगेगा शायद निफ्टी में, और आफ्टर 3 मंथ निफ्टी में अगर 10% मतलब एज पर करेंट मार्केट प्राइस 2,500 रुपये ऊपर भागता है, आपको क्या मिलेगा? 2,500 रुपये की प्रॉफिट मिलेगा, 200 रुपये डिस्काउंट छोड़ेंगे तो 2,300 रुपये की आपको प्रॉफिट होगा, 2,300 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। लॉट साइज क्या है आपका? 25 का लॉट साइज है। सो आपका आरओआई क्या होएगा? आप अगर आरओआई देखेंगे, आपके आरओआई क्या हो जाएगा? नॉर्मली कितनी कमा रहे हो आप? आप कमा रहे हो 2,300 इंटू 25 क्वांटिटी इक्वल्स टू 57,000। 57,500 की रिटर्न नेक्स्ट 10 मंथ पे मिल सकता है। आप लोग इतिहास देख लो, जब भी निफ्टी रेयर होता है, पिछले 10 साल पे 10 बार हुआ है, टोटल 13 टाइम्स हुआ है पिछले 10 साल में, निफ्टी में 13 टाइम्स हुआ है कि निफ्टी मंथली या वीकली डिमांड पे आया, आने के बाद डेली में डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। ये पिछले 10 साल में ओनली 13 टाइम्स हुआ है, रोज ट्रेडिंग का नहीं। अब ये लिवरेज प्रोफेशनल जो उठाते हैं ना, वो रोज नहीं उठाते हैं, वंस इन ए ब्लू मून परफेक्ट उठाते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा? आपको शायद 57,000 की प्रॉफिट मिलेगा, लगभग कहीं पे 95% के रिटर्न है। अब प्रोफेशनल से लिवरेज कैसे लेता है? 3 मंथ का ऑप्शन ले लिया। किस टाइप का ऑप्शन ले लिया? करेंटली निफ्टी अगर 25,500 पे है, देन बोलो क्या करेंगे? लेट मी एज्यूम कि जो डिमांड पे आया, डिमांड पे आने के बाद डाइवर्जेंस हो गया, ड्यूरिंग द टाइम निफ्टी ट्रेडिंग है 25,500, वो 500 पॉइंट की डीप इन दी मनी लेने वाले हैं, 500 पॉइंट की डीप इन दी मनी। नाउ प्राइस इज कमिंग डाउन, नीचे आ रहा है, तो नॉर्मली कॉल में बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं होगा, एंड दे आर गोइंग टू पे ज्यादा से ज्यादा 800 रुपये की प्रीमियम पेमेंट करने वाले हैं, जिसपे 500 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू है। आगे जाकर सीखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 300 रुपये की टाइम वैल्यू है। प्रीमियम क्या पेमेंट करेंगे? अगर 800 के हिसाब से प्रीमियम पेमेंट करेंगे, टोटल लगेगा 20,000। 20,000 प्रीमियम पेमेंट करेंगे, 20,000 पे एक ऑप्शन बाई करेंगे, सो 60,000 पे कितनी लॉट आएगा? 3 लॉट आएगा। अभी वो 3 महीना होल्ड करेंगे और निफ्टी अगर 10% ऊपर भागता है, मतलब 25,000 से 2,500 पॉइंट ऊपर भागता है, निफ्टी का क्लोज होगा 27,000, 27,000 नहीं 28,000 पे निफ्टी का क्लोज होगा। आपने कॉल क्या बाई किया था? 25,000 की कॉल बाई किया था, पेमेंट किया था क्या? 800। अभी वो कॉल का वैल्यू होगा 3,000, मतलब आपका प्रॉफिट कितना होगा? 2,200 रुपये की प्रॉफिट होने वाला है। फ्यूचर में क्या हुआ था? 2,300 रुपये की प्रॉफिट हुआ था। ऑप्शन में क्या होगा? 2,200 रुपये का, बट आपके पास 3 लॉट ऑप्शन है। सो आपको इस पे रिटर्न कितना मिलेगा? आपने क्या पेमेंट किया था? वही 60,000, आपको 2,200 रुपये इंटू 25 का लॉट है, इंटू 3 लॉट आपने बाई किया था, आपको रिटर्न मिलेगा वहां पे 1,65,000 का रिटर्न मिलेगा। इसे बोलते हैं लिवरेज। आप लोगों को क्या लगता है, कॉमन ट्रेडर्स को या जस्ट नॉर्मल एमेचर ट्रेडर को क्या लगता है कि भाई मैंने एक ऑप्शन बाई कर लिया, वो लिवरेज है मेरे लिए? अरे लिवरेज यूज करना सीखो, उसकी टाइमिंग होता है एक्चुअली, ये परफेक्ट टाइमिंग ऑफ लिवरेज। आप भी जो करते हो वो भी लिवरेज है, बट प्रॉपर यूज करना सीखो प्रोफेशनल जैसे। टाइमिंग के लिए वेट करो, परफेक्ट ऐसे कुछ टेक्निकल परफेक्ट सिनेरियो होता है, वो टाइमिंग हो गया दिनों के, ठीक है लिवरेज ले लेते हैं ना, लिवरेज के लिए हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। दूसरी है पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन। अनदर पॉपुलर यूज ऑफ ऑप्शन इज टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो अगेंस्ट डाउन साइड रिस्क ऑफ योर कैपिटल ड्यू टू एनी अननोन और अनफॉर्चुन इवेंट। आपको पता नहीं कुछ सडनली कुछ हो गया, बस हो सकता है मार्केट नीचे आ सकता है। आई रिमेम्बर एक बार वो सेप्टेम्बर 2013 में मैंने तब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, आई वॉज ट्रैवलिंग टू बेंगलोर, ट्रेन में था, मेरे भाई को बोल के गया था कि भाई मेरा निफ्टी बाई है तो थोड़ा देखना। ट्रेन में फोन नहीं लगा, निफ्टी बहुत गिर गया था, वो जब फोन लगाया शाम को तो मोटा मोटी तब निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास तो डिक्लाइन हो गया था, मार्केट बंद हो गया था। तो मैंने मेरे एक्स कॉलिग को पूछा, भाई क्या हुआ रे? बोले बस ऐसे कोई सीन नहीं है, वो मक्का में ना एक टेररिस्ट अटैक आया था। अब टेररिस्ट अटैक आया तो क्या हो गया, मार्केट नीचे आ गया, ये अनफॉर्चुन इवेंट की वजह से आ सकता है, एक ऐसे हो सकता है, और या क्या हो सकता है, कोई इवेंट है
मान लीजिए आपके पास कोई कुछ करोड़ की पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, यू आर वेरी बुलिश ऑन द मार्केट, बट सामने बजट है, इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, बड़े बड़े स्टेट इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, सेंट्रल हो सकता है, आरबीआई की पॉलिसी है, ऐसे ऐसे कोई बिग इवेंट आने वाले हैं, बट यू आर वेरी मच बुलिश। अब बजट में क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड कर जाता है। तो आपको तब क्या करना है, आप पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगेंस्ट एनी डाउनसाइड रिस्क, एक न्यूट्रल हेज बना सकते हो। एंड पे हम लोग जब ऑप्शन की ग्रीक्स करेंगे, उस वक्त हम लोग न्यूट्रल हेज बनाना सीखेंगे कि एग्जैक्ट किस टाइप में कैलकुलेशन करके एक न्यूट्रल हेज बना सकता है। बट क्या होगा कि मार्केट अगर डाउन हो जाता है तो आपके पोर्टफोलियो के जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए कर लेता है ऑप्शन ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन लेता है, उसके जो लॉन्ग पोजीशन है, या मान लीजिए आप सिर्फ लॉन्ग पोजीशन का नहीं, शॉर्ट पोजीशन की पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। आपने इक्विटी सेल कर दिया, आपने आपका होल्डिंग के इक्विटी सेल किया, तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप कॉल बाई कर सकते हो सेल के अगेंस्ट पे। अगर वो फिर से वो भाग गया तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा, अरे लोअर रेट पे इक्विटी मैंने निकाल गया, कॉल ऑप्शन विल गिव यू मनी। तो जैसे हम लोग लॉन्ग को भी हेज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, शॉर्ट पोर्टफोलियो अगर कोई फ्यूचर वाला डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है, फ्यूचर में कोई शॉर्ट पोजीशन खड़ा है, या तो आपने इक्विटी जस्ट ऐसे आपके पोर्टफोलियो से निकाल दिया, उसे भी हम लोग हेज कर पाएंगे यूजिंग ऑप्शन। ये और एक बहुत बढ़िया यूज होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तीसरी जो यूज होता है, बिल्ट इन स्टॉप लॉस। इफ यू आर ए बायर ऑफ एन ऑप्शन, देन यू आर कंट्रोलिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ अंडरलाइन पेइंग ए स्मॉल प्रीमियम, छोटा सा प्रीमियम दे रहे हो, एंड इफ ट्रेड गोज अगेंस्ट यू ना, आप अगर मान लीजिए कोई इक्विटी आपको देख के लगा ये बहुत भागेगा, आपने इक्विवेलेंट टू आपके लॉट साइज अपनी इक्विटी बाई की और वो बाई चांस अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गया, आपको क्या होगा, लार्ज लॉसेस लगेगा। बट एट द सेम टाइम आप अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन बाई कर लेते हो ना, हाउ मच मनी यू कैन लूज मैक्सिमम द प्रीमियम यू हैव पेड, उससे ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो। सो वो आपके लिए बिल्ट इन स्टॉप लॉस हो गया। कैसे करेंगे, कब करेंगे, नॉर्मली ये बिल्ट इन स्टॉप लॉस की यूजेस हम लोग कब करते हैं, बिफोर एनी इवेंट, कंपनी का रिजल्ट आने वाले हैं, कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, आई एम वेरी मच श्योर, प्रेटी श्योर कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, चलो मैंने कॉल बाई किया, अगर खराब आ गया आई कैन हार्डली लूज द एंटायर प्रीमियम, बट अगर मेरा लार्ज क्वांटिटी इक्विटी होता या मेरा फ्यूचर होता, मेरा लॉस लग गया होता लार्ज। या तो मान लीजिए मुझे लगा आई एम प्रेटी श्योर कि वो कंपनी लॉस करने वाले है, खराब रिजल्ट आने वाले हैं, तो मैंने पुट बाई कर सकता हूँ, मैंने अगर फ्यूचर में सेल कर दिया होता और अगर बाई चांस उसका रिजल्ट अच्छा आ गया होता तो क्या होगा, प्राइस भागेगा, मुझे लार्ज लॉस लगेगा। बट अगर मैं पुट बाई किया और उसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स आई कैन हार्डली लूज माई एंटायर प्रीमियम, वो भी अगर मैं थोड़ा एड़ा होता हूँ कि नहीं चलो जो होगा देखेंगे, लास्ट तक रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं निकल सकता हूँ थोड़ी बहुत लॉस करके। सो इट इज कॉल्ड बिल्ट इन स्टॉप लॉस, ये आपके लिए बिल्ट इन स्टॉप लॉस है, लार्ज क्वांटिटी अंडरलाइन को हम लोग मैनेज कर रहा हूँ बट स्टॉप लॉस मेरे लिए इन बिल्ट हो गया, दिस इज वाई प्रोफेशनल ट्रेड ऑप्शन। एंड लास्ट जो पार्ट है, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं प्रोफेशनल, कस्टोमाइज वेरियस स्ट्रैटेजी टू जेनरेट इनकम, इनकम जेनरेशन करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग से। एंड मेरे ये ड्रोनाकुल ऑप्शन स्कैम का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में आई विल टीच यू ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन डेप्थ, कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, इन डेप्थ सिखाऊंगा। एंड यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.dronakul.com, वहाँ पे जाने के बाद आप ड्रोनाकुल ऑप्शन कैंप पे क्लिक करके आप लोग वहाँ से सारे स्ट्रैटेजी देख सकते हो। बट वो जो रीडिंग करेंगे, आई बिलीव कि बहुत सारी ऑप्शन के जो एडुकेशनल वेबसाइट है, मैंने और भी आसान तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन किया, सो आप पढ़ सकते हो। बट एक वीडियो के साथ अगर पढ़ेंगे, मैं आगे जाकर ग्रेजुअली वो वीडियो बनाऊंगा एंड आपके लर्निंग कंप्लीट होगा। तो कस्टमाइज वेरियस स्ट्रैटेजी, पीपल यूज ऑप्शन टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम कस्टमाइज वेरियस स्ट्रैटेजी, बनाया जा सकता है ऑप्शन से, इफ यू नो कौन सी स्ट्रैटेजी कब क्यों कौन सी टेक्निकल सिनेरियो में बनाना है, आई विल टीच यू एवरीथिंग। काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, मे बी 6 to 8 month और मे बी 1 year लगेगा, एक्चुअली ऑप्शन जैसे वास्ट सब्जेक्ट 2 4 दिन में कंप्लीट करना मुश्किल है। सो इट्स ए सीरीज, इट्स ए क्लास, आप लोग इसे कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए, देखिए मैं धीरे धीरे स्लोली जा रहा हूँ एक एक टॉपिक को एक एक दिन के, तो हो जाएगा। आई होप कि बहुत सारी पेड क्लास से भी बेटर एडुकेशन मिलेगा। चलिए,
और एक क्या है, कस्टमाइज वेरियस स्ट्रेटेजी करने के लिए, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट मोमेंटम मार्केट में, हो सकता है मोमेंटम आएगा, हो सकता है मोमेंटम नहीं आएगा, बट स्ट्रैटेजी में क्या हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इवन मार्केट में मोमेंटम नहीं है फिर भी पैसा कमाने वाला स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं, प्रोफेशनल इस वजह से ऑप्शन को ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट मंडे।